ये देखिए फ्रेंड्स, एलईडी जो है वो हल्की हल्की जल रही है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम प्याज को चार्ज करके देखेंगे। इसको हम डीसी करंट दे के चार्ज करने की कोशिश करेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेव करता है कि नहीं करता है। तो इसके लिए मैंने प्याज के अंदर ये टर्मिनल्स लगा दिए हैं, जो सेल के अंदर निकलते हैं उन टर्मिनल्स को हमने लगाया है। तो इनको हम डीसी सप्लाई से चार्ज करने की कोशिश करेंगे, फिर आपको एलईडी भी जला के दिखाएंगे जलती है कि नहीं जलती है। तो चलिए मैं इसको सप्लाई दे देता हूँ और फिर इसको ऑन करके देखते हैं कि क्या होता है। तो कनेक्शंस हमने इसके अंदर लगा दिए हैं, अब चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या होता है, ये चार्ज होता है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो है वो बबलिंग होना स्टार्ट हो गई है इसके अंदर। ये देखिए, फ्रेंड्स एक बात याद रहे, हम इसको डीसी सप्लाई से जो है वो चार्ज कर रहे हैं, ना कि एसी सप्लाई से। ये देखिए इसके अंदर बबलिंग हो रही है। तो चलिए अब मैं आपको छोटी सी एलईडी जो है वो जला के दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, एलईडी जो है वो हल्की हल्की जल रही है। ये देखिए, तो कुल मिला के समझा जा सकता है कि प्याज ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत एनर्जी जो है वो स्टोर करता है। तो अब प्याज का भी हाल देख लेते हैं, डीसी करंट अंदर गया है तो इसकी भी क्या हालत हुई है। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद।